हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा ये जनरल इंजीनियरिंग और बीएमसी का सब्जेक्ट है उसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोन्स। ठीक है, देखिए स्टोन्स की अगर हम बात करें यानी हम कहते हैं पत्थर। ठीक है, स्टोन की अगर हम बात करें तो स्टोन क्या है आपका, ये एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, यानी क्या है, ये एक निर्माण सामग्री है जो आपके सभी टाइप के कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। सपोज चाहे आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कोई डैम्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो सभी तरह का कंस्ट्रक्शन या रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सब में आपका क्या होता है, स्टोन का यूज़ होता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करें कि स्टोन आपको मिलता कहाँ से है, स्टोन का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, सोर्स है आपका स्टोन का वो कहाँ है, वो क्या है, वो हम पढ़ने वाले हैं इसमें। देखिए अगर हम सोर्स की बात करें आपका, सोर्स ऑफ स्टोन की बात करें तो ये क्या है, द स्टोन्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम रॉक्स, यानी कि कह सकते हैं कि जो स्टोन का जो पत्थर का जो सोर्स है आपका, जहाँ से हमें पत्थर मिलता है, वो क्या है आपकी चट्टाने हैं, वो रॉक्स हैं। ठीक है, द रॉक्स जो है डेफिनेट पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस, देखिए ये क्या है, अर्थ सरफेस पे एक डेफिनेट पोर्शन रखते हैं, यानी कि एक निश्चित जो है सरफेस पे ये पाए जाते हैं आपके रॉक्स। ठीक है, इट हैज़ अ नो डेफिनेट केमिकल कम्पोजिशन एंड शेप, अब देखिए हम बात करें इनके केमिकल कम्पोजिशन की, मतलब ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, क्या क्या खनिज इसमें होते हैं, तो इसका कोई डेफिनेट जो है आपका कम्पोजिशन नहीं होता है और ना ही इसकी कोई डेफिनेट शेप होती है। ठीक, कोई निश्चित आकार नहीं रखती है ये रॉक्स। इफ द रॉक्स कॉन्टेन ओनली वन मिनरल, अब देखिए अगर आपके रॉक्स क्या है सिर्फ एक मिनरल से मिलकर बनी हुई है, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, आपकी जो रॉक्स होती हैं वो मोस्टली जो है पॉली मिनरल से मिलकर बनी होती है, यानी बहुत सारे मिनरल से मिलकर बनती है। ठीक है, तो देखिए अगर हम कहें कि इफ द रॉक्स कंटेन ओनली वन मिनरल इट इज़ नोन एज मोनो मिनरलिक, अगर एक मिनरल से बनकर बनी है तो वो क्या कहलाएगी आपकी, वो कहलाएगी मोनो मिनरलिक रॉक। इफ कंटेन्स सेवरल मिनरल्स, अगर क्या है एक से ज़्यादा मिनरल से बनकर बनी है तो वो क्या कहलाएगी आपकी, वो कहलाएगी पॉली मिनरलिक। ठीक है, अच्छा देखिए आप मिनरल की बात करें, मिनरल्स क्या होते हैं, खनिज होते हैं, देखिए ये क्या होते हैं, ये आपके नेचुरली अकरिंग होते हैं, मतलब नेचुरल में खुद से ही आकार होते हैं, ये गॉड गिफ्टेड होते हैं कह सकते हैं हम, और इन कौन कौन से हो सकते हैं आपका, ये कुछ एग्जाम्पल होता हूँ मैं आपको, क्या है क्वार्ट्स है आपका, माइका है आपका, या फिर मैगनीज है, ये सारे क्या है, ये खनिज में ही आते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं आपके, मिनरल कहलाते हैं, और इन सबसे मिलकर क्या बनती हैं आपकी, रॉक्स बनती हैं। क्लियर, इतना क्लियर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं हम, नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। अब देखिए जो रॉक्स होती हैं वो किससे मिलकर बनती हैं आपकी, मिनरल से मिलकर बनती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं इन्हें भी हम कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक, जैसे आपका है पहला है आपका है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देखिए जैसे रॉक्स है आपका, तो हमने क्या है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया आपका, फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया आपका, और ये नेक्स्ट आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, अब देखिए जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो इसमें इसे भी आपने किया तीन पार्ट में डिवाइड किया आपका, इग्नियस रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं आपकी, और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। ठीक है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आपका इग्नियस रॉक्स या आप सॉरी आपके जो है जियोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन रॉक्स है वो हम अभी पढ़ने वाले डिटेल में क्या होती हैं, ठीक है, कैसे बनती हैं ये सब पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट होता है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, तो इसमें कौन कौन सी आती हैं आपकी, इसमें स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फॉलिएटेड, ये भी पढ़ने वाले हैं डिटेल में अभी, फिलहाल आपको समझ लीजिए कि ये आपकी इतने टाइप के होती हैं। नेक्स्ट आपका केमिकल क्लासिफिकेशन, इसमें होती है आपके सिलीसियस, आर्जिलेसियस और आपके कैलकेरियस रॉक्स होती हैं। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक लेते हैं हम, पहला है आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखिए अगर हम जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्या होता है, यानी जो रॉक्स हैं आपकी आपकी जो रॉक्स हैं उनका मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या है, यानी वो किस तरह से बन रही हैं आपकी, कैसे उनका फॉर्मेशन हो रहा है, वो कहलाता है आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब मोड ऑफ फॉर्मेशन यानी किस तरह से वो फॉर्म हो रही हैं, किस तरह से बन रही हैं, उनके अकॉर्डिंग भी हमने क्या किया, इन्हें तीन पार्ट में डिवाइड किया है, वो है आपका पहला इग्नियस रॉक्स। ठीक है, अब बात करें हम इग्नियस रॉक्स से क्या होती हैं, इग्नियस रॉक्स आर ऑफ वोल्केनिक रॉक्स एंड आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मास लाइंग बिलो और अबव द अर्थ सरफेस। देखिए ये क्या होती हैं आपकी, ये वोल्केनिक रॉक्स होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं ये वोल्केनिक रॉक्स होती हैं। ठीक है, यानी क्या है कि जब आपका जैसे आपका सो ज्वालामुखी है, ठीक है, ज्वालामुखी होता है उससे क्या निकलता है आपका, जब वो फटता है ज्वालामुखी, जब वोल्केन होता है तो उससे क्या निकलता है आपका, लावा निकलता है। ठीक है, यानी जो मैग्मा अर्थ सरफेस के अंदर जो होता है वो मैग्मा होता है, ठीक है, जब वो बाहर निकल कर आता है अर्थ सरफेस पर आकर जम जाता है, या फिर अर्थ सरफेस के अंदर ही जम जाता है, ठीक है,
तो वो क्या कहलाती हैं आपकी, वो इग्नियस रॉक्स कहलाती हैं। यानी जो मोल्टेन लावा होता है ठीक है, वो अर्थ सरफेस पर आके जम जाता है, उसके जमने से जो रॉक्स बनती हैं वो क्या कहलाती हैं आपकी, वो कहलाती हैं आपकी इग्नियस रॉक्स। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका क्या है मोल्टेन मास, ठीक है, इस मोल्टेन मास की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है आपका, ये अगर अर्थ सरफेस के नीचे है, ठीक है, ये अगर अर्थ सरफेस के नीचे है, अर्थ सरफेस के अंदर है आपका, तो ये कहलाता है मैग्मा। लेकिन जब ज्वालामुखी फटने के बाद में, ठीक है, यानी एक्सप्लोजन के बाद में जब ये बाहर आ जाता है, ऊपर आ जाता है अर्थ सरफेस पे, ठीक है, तो क्या कहलाता है आपका, ये लावा कहलाता है। और जब ये जम जाता है एक जगह, सोलिडिफाई हो जाता है, तब जो रॉक्स बनती हैं वो कहलाती हैं आपकी इग्नियस रॉक्स। क्लियर। अब देखिए अगर हम बात करें इग्नियस रॉक कौन कौन से हो सकती हैं आपकी, तो कुछ एग्जांपल देखिए क्या है आपका, ग्रेनाइट है आपका, बेसाल्ट है, ये सारी क्या है आपकी इग्नियस रॉक्स में आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सेकंड है आपका वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, अब सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो क्या होती हैं, दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाई डिपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग ऑन दी एग्जिस्टिंग रॉक्स। यानी क्या होता है, जो आपकी पहले से रॉक बनी हुई हैं, पहले से कौन सी रॉक्स बनी हुई हैं आपकी, इग्नियस रॉक्स पहले ही फॉर्म हो गई हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, उनका डिपोजिशन हो रहा है, उनका एक जगह से क्या है दूसरी जगह पहुंचना। ठीक है, वेदरिंग के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचकर फिर से वो क्या है एक जगह इकट्ठा हो जाना और जम जाना, वो क्या कहलाता है आपका, वो जो कहलाती है आपकी सेडिमेंटेशन कहलाता है। ठीक है, और जो रॉक्स बनती हैं इससे वो क्या कहलाती हैं आपकी, वो सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती हैं। ठीक है, वेदरिंग आर डन फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन बाय द एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यानी वेदरिंग कहाँ होती है आपकी, जहाँ पे उनका ओरिजिन था, ओरिजिन कहाँ था, जैसे कि आपकी इग्नियस रॉक्स बनी थी, ठीक है, तो वो उसका ओरिजिन हो गया। अब यहाँ से क्या हुआ, इनके वेदरिंग होना स्टार्ट हो गई, बाय द एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं आपके, जो कि आपके जो रॉक्स आपकी डिपॉजिट हुई है। ठीक है, यानी जो इग्नियस रॉक्स थी उसमें कोई डिपोजिशन हो गया, कुछ पार्ट उसका अलग हो गया। ठीक है, वो पार्ट अलग हो गया क्या होने लगेगा, दूसरी जगह शिफ्ट होना लगेगा। ठीक है, तो दूसरी जगह जो शिफ्ट होगा वो किसकी वजह से हो सकता है, वो आपका फ्रोस्ट हो सकता है आपका, रेन, विंड, फ्लोइंग वाटर, इन सब से क्या है ये जो है अपने एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं आपके जो भी डिपोजिशन हुआ है रॉक्स का। ठीक है, तो जब ये डिपोजिशन होने के बाद में ये क्या है ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह पहुँच जाएंगे, तो वहाँ पर जमने के बाद में जो रॉक्स बन जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाएगी। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में से कहते हैं हम अवसादी से, अवसादी चट्टान। इसकी अगर बात करें तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं आग्नेय चट्टान। ठीक है, पहला हो गया आपका इग्नियस रॉक्स, दूसरा हो गया आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके अगर हम एग्जांपल बात करें तो इसके एग्जांपल होते हैं आपके सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, और आपको और हो सकते हैं डोलोमाइट हो गया आपका। ठीक है, और ये बहुत सारे एग्जांपल होते हैं इसके, तो ये सब किस में आते हैं आपके, ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स में आते हैं। देखिए नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो क्या है, दीज रॉक्स आर फाउंड बाय द चेंज इन कैरेक्टर ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। अब क्या होता है, ये रॉक कैसे बनती हैं आपकी, जैसे आपकी इग्नियस रॉक्स बन चुकी है पहले ही, आपकी सेडिमेंटरी रॉक भी बन चुकी है। ठीक है, अब क्या हो गया, उनका जो करेक्टर है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो जो रॉक्स बनेंगे आपकी वो क्या कहलाएंगे आपकी, वो कहलाएंगे आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स, इन्हें कहते हैं हम कायांतरित चट्टान। ठीक है, द इग्नियस एज वेल एज सेडिमेंटरी रॉक्स आर चेंज इन करेक्टर वेन दे सब्जेक्टेड टू ए ग्रेट प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्या होता है आपका, जो आपका जो इग्नियस रॉक्स होती हैं और जो सेडिमेंटरी रॉक्स होती है उन पर क्या होता है, बहुत हाई प्रेशर पड़े। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पड़ने से या फिर उसका उनका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, टेम्परेचर आपका क्या बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाए, तो उनका जो ओरिजिनल करेक्टर था वो चेंज हो जाता है। ठीक है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आपकी कन्वर्ट हो जाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाती हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, और जो प्रोसेस होता है ये चेंज होने का, रॉक्स के करेक्टर को चेंज होने का जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका मेटामॉर्फिज्म, यानी इसे कहते हैं हम कायांतरण। यह सपोज देखिए क्या होता है आपका, जो ग्रेनाइट है होती है आपकी, ग्रेनाइट जो आपकी चट्टान होती है वो किस में कन्वर्ट होती है आपकी, वो नीस में हो जाती है। ऐसे आपका क्या था, साइनाइट है, ये भी किस में होती है, नीस में होती जाती है आपकी। और कह सकते हैं आपका जो सैंडस्टोन है वो क्वार्ट्जाइट में होता है, लाइमस्टोन है मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो ये सारे क्या हैं आपके, ये सब मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, और ये किससे बनती हैं आपकी, ये इग्नियस रॉक्स और आपकी सेडिमेंटरी रॉक्स के
जो है करेक्टर के चेंज होने से बनती है। ठीक, तो देखिए ये था आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन और आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।